मैं अनुरोध कर सीनियर लीडर जो यहाँ गोहाना के यहाँ इस मुकाम पर पहुंचा है, ये आशा करता हूँ कि पार्टी की नीतियों को जन जन तक घर रहेंगे और पार्टी को एक मुकाम तक लेके जाएंगे। हमारी सोनीपत लोकसभा से विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा को 1,65,000 वोटों से दूर चटाने वाले हमारे एमपी साहब रमेश कौशिक जी, हमारे गोहाना हल्के से प्रत्याशी रहे तीरथ राणा जी, जिला के अध्यक्ष धर्मवीर नांदल जी, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी, रमेश पुराना जी, हमारे बहुत ही मेहनती नेता जैसी ठेकेदार जी करमवीर शर्मा जी, हमारे शहर के चेयरमैन राजेंद्र जी त्रिमाणी जी, हमारे बहुत ही पुराने हल्का मंडल प्रधान रहे पार्षद रहे खेमचंद सिद्धवाणी जी, सुनील मेहता जी, भाई नाथी मेहता जी और सभी जो पार्षद भाई आए हैं, सभी युवा साथी आए हैं, सभी का यहाँ स्वागत करते हैं। और एमपी साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने क्यों एमपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ये पूरे टाइम के प्रबंध है और हमारे यहाँ आए और सभी को जैसे हमारा स्वागत किया एमपी साहब ने, इनका पार्टी ने जो की उसके भरोसे में खरा उतरूंगा और प्रोग्राम चलता रहेगा। हमारे के एमएलए श्री मोहनलाल जी बडोली जी भी यहाँ पर आने वाले हैं, एमपी साहब को दिल्ली मीटिंग में जाना बहुत जरूरी मीटिंग में, तो एमपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और एमपी साहब को विश्वास दिलाते हैं और जो जिम्मेवारी पार्टी ने हमारे को दी है उनको बढ़ चढ़ कर जो भी आदेश देगी पार्टी आदेश देगी, एमपी साहब आदेश देंगे, जो भी संगठन आदेश देगा। ये बहुत मेहनत करता है, चाहे एमपी इलेक्शन था चाहे एमएलए का चुनाव था, इसने पूरे कर्मबंधन से बहुत मेहनत की है, मैं इसका भी आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे जो दूसरे मंडल प्रधान है उनको शुभकामनाएं देता हूँ। देवेंद्र जी यहाँ पर हाजिर है और